चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे पुरुष बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जिनको ये चार गुणों वाली पत्नियां मिल जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर घर को रथ कहा जाता है तो उसके दोनों पहिए पति और पत्नी ही होते हैं। कहते हैं कि घर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा अगर एक भी पहिया सही तरीके से काम ना करे तो। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को खास महत्व देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अर्धांगिनी नहीं कहा जाता है पत्नी को। इसका मतलब होता है कि पति का आधा अंग होना। दोस्तों, एक श्लोक के जरिए पत्नी के गुणों को गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इन गुणों वाली स्त्री अगर किसी भी पुरुष के पास होती है तो वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के उस श्लोक के बारे में ही बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कहते हैं गृह दक्ष होना। गृह कार्य में दक्ष वो होती है जो स्त्री सभी घर के काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना और घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी चलाना, ऐसे कार्य में दक्ष होती है। जिन स्त्रियों में ये गुण होते हैं उन्हें भरपूर प्रेम पति से मिलता है, घर में भी तरक्की होती है, पति भी हमेशा खुश रहता है और घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। दोस्तों, दूसरी बात बताई गई है प्रियंवदा। दोस्तों, प्रियंवदा का मतलब होता है कि हमेशा जो स्त्री मधुर बोलती है और संयमित भाषा में ही अपने बड़ों से बात करती है, वो हमेशा सबकी प्रिय भी होती है। हमेशा घर में खुशी का माहौल रहता है और सब उससे काफी ज्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, तीसरी बात बताई जाती है कि पति प्राणा होना। इसे दोस्तों पति परायणा स्त्री भी कहते हैं। इस गुण वाली स्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पति की सारी बातें सुनती है और पालन भी करती है। इतना ही नहीं, इस गुण वाली स्त्री ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे उसके पति के मन को चोट लगे। तो दोस्तों, ऐसे गुण वाली स्त्री के लिए पति कुछ भी कर देते हैं और उनसे पति हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, लास्ट में जो चौथी बात बताई गई है वो है पतिव्रता। कहते हैं इस गुण वाली स्त्री कभी भी पति के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में मन में विचार भी नहीं लाती है। ऐसी गुणकारी पत्नी को पतिव्रता का दर्जा धर्म ग्रंथों में दिया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पति को बल यानी कि ताकत ऐसी खूबी वाली पत्नी ही देती है, साथ ही सुख इन स्त्रियों को अंत में ही मिलता है। दोस्तों, ये चार गुण जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ऐसी स्त्री जिसके पास भी होती है तो वो अपने आप को इंद्र से कम ना समझे। ये पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इन गुणों वाली पत्नी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर ये पत्नियों की चार खास बातें आपको पसंद आई हो और आपको ये शास्त्रों का ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।